अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला आप सबको सलामत रखें। अल्लाह ताला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व शहदाए करबला के सदक़े में सबके घरों में बरकतें और रहमतें अता फरमाएं। अभी हम इंडियन मौकिब जो है कारवान हिंद जो 327 नंबर पोल पे है वहाँ पर रुके थे कल रात में, और मतलब कल सुबह में 4 बजे हम पहुँचे थे, तो वहाँ से अभी निकले हैं हम। अब इंशाअल्लाह 327 नंबर पोल से निकले हैं, अब हम रुकेंगे 820 नंबर पोल पे। पूरे 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी ये जो मंजर है अभी जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो मंजर में कोई तब्दीली नजर नहीं आई। रात को हम 3:30 बजे या 4 बजे तकरीबन 327 नंबर पोल पे पहुंचे थे, जब भी पब्लिक मुसलसल चल रही थी। सुबह हम जब नीचे आके हमने देखा तब भी मुसलसल वही मंजर था, शाम को देखा वही मंजर था, अभी हम निकले हैं इस वक्त भी वही मंजर है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, इश्क में, मवद्दत में लोग जोब दर जोब करबला की जाने बढ़ रहे हैं। सबकी मंजिल एक ही है, वो है करबला। अभी हम ये हाईवे पे चल रहे हैं, यहाँ पे ये मंजर है, ये अलग रोड है, ये अंदर जो रोड है यहाँ मुसलसल पब्लिक चल रही है। वहाँ पे भीड़ इतनी है कि इतना मतलब जल्दी हम चल नहीं पा रहे थे, इसलिए हम इस रोड के ऊपर आए। इस रोड पे भी मुसलसल पब्लिक चल रही है। अभी बाहर निकले थे तो सोचा तमाम लोगों को, जितने भी आशिकीन, जितने भी मौलाई हैं, उन सबको भी इस सफ़र पर लेके चलें साथ में। ये देखिए, मौला सबकी हाजात को पूरा फरमाइए। जितने भी लोग इस वीडियो के जरिए सफर इश्क में हैं, जनाब मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम के सदक़े में जो ना औलाद है उनको नेक सालेह औलाद अता फरमाइए। जो बीमार हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनको शिफाए कामिला अता फरमाइए। जो जो हाजात, जो जो दुआएं लेके आपके दर पे लोग खड़े हैं, सबकी दुआओं को, इल्तिजाओं को पूरा फरमाइए। क्योंकि अभी इधर रोड बंद है, ब्लॉक कर दिया, अब इस रोड के ऊपर आए हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाद अली मज़हरुल अजाइब तुजुदहु औन लका फिन नवाइब, कुल हम वगम सैन जली बेअज़मत या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, बे नबूवत का या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बे विलायत का या अली या अली या अली अदरकनी या अली अदरकनी या अली अदरकनी। या हुसैन या हुसैन। अभी इस वक्त क्योंकि ये कट है, रोड है,
तो पब्लिक को छोड़ छोड़ के यहाँ पर रोक लेते हैं हर थोड़ी देर में, जिससे ट्रैफिक भी जाम ना हो और लोग आगे भी बढ़ते रहें, क्योंकि हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में लोग हैं, करोड़ों की तादाद में। कैसे सबका इंतज़ाम हो रहा है, कैसे सब चल रहे हैं, ये अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। इन करोड़ों के मजमे में ना कोई भूखा है ना प्यासा है। जो करबला में भूखे रहे, जो करबला में प्यासे रहे, उनके सदक़े में अल्लाह ताला किसी को कभी भूखा और प्यासा नहीं रहने देता है सफ़र। और ये सफ़र वो है कि इस रास्ते में, इस मशी में, नजफ़ से करबला पैदल जो जाते हैं, इस सफ़र के दौरान जो भी दुआएं मांगी जाएं, वो अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं होता, रद्द नहीं करता। सरी सर नज़र आ रहा है जहाँ तक, ये है मौला की शान। ये कौन कह रहा है कि प्यासा हुसैन है, कुल कायनात प्यासी है, दरिया हुसैन है। ये लोग बड़े हैं बात, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। ये छोटे छोटे बच्चों को लेके, वालदैन छोटे छोटे बच्चों को लेके चल रहे हैं, वो भी पानी दे रहे हैं बच्चों। ये छोटे छोटे बच्चे भी पानी दे रहे हैं। मेरा बच्चा, हाँ माशाल्लाह, बस बेटा, बस 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 बस, मौला सलामत रखें, माशाल्लाह। ये छोटा सा बच्चा है, इतने छोटे बच्चे कुछ समझते नहीं हैं, अगर उनके सामने कोई चीज़ हो तो वो कोशिश करते हैं कि वो ले लें, लेकिन ये कौन सी दुनिया है, हाय हाय हाय, ये कौन सी दुनिया है, ये कौन से लोग हैं। इतना सा बच्चा हमारे को पानी पिला रहा है, कहाँ थे ये लोग, काश ये लोग उस वक्त होते जब मेरे मौला हुसैन का काफला प्यासा था। अली मौला, अली मौला, अली मौला, मौला सलामत रखे। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, जियारा मकबूले, तकबल ताआत इंशाअल्लाह। आमीन, इंशाअल्लाह ندعي لكم, ندعي لكم بالزياره والتوفيق. आमीन आमीन आमीन, हयाकुम अल्लाह। من اهالي العراق الى اهالي العراق। इतनी मोहब्बत, कोई किसी से ये पूछने वाला नहीं है कि कौन कहाँ से है, कौन किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, बस मोहब्बत। ये है असल इस्लाम, ये है असल दीन। जो जिससे खिदमत हो रही है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। ये लोग अपने घरों को खोल के खड़े हैं और तमाम जव्वारों से कह रहे हैं कि अंदर आ जाओ, एक बार हमारे घर में कदम रख दो।
लोगों ने अपने घर का फर्नीचर निकाल के बाहर रख दिया है तमाम जवारों के लिए। अब ये हम अभी इस रोड पे थे लेकिन यहाँ पे क्योंकि पब्लिक इतनी है कि यहाँ पे चले नहीं जा रहा है जल्दी, तो अब हम इस रोड पे आए हैं। इधर भी उतनी ही लोग, इधर भी उतनी ही पब्लिक है। ये गाड़ियां जा रही हैं, जो भी गाड़ी में बैठ के जाना चाहे वो गाड़ी में बैठ के भी जा सकता है, अगर कोई थक गया हो और जाना चाहे करबला तो वो गाड़ी में बैठ के भी जा सकते हैं। हर तरह का इंतजाम है। करबला 55 किलोमीटर, अल हैदरिया ये कस्बा है 15 किलोमीटर। दुआ करते हैं कि मौला सबको इस हाजिरी का शर्फ अता करें और सब मौला के कदमों में यहाँ पर हाजिर हों और नजफ से करबला पैदल सफ़र करें। सबके लिए दुआ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।